रात में 8-9 बजे ले गया भाई। ठीक है ले जाइए, जाओ जाओ पढ़ा, मैं कहूँ कोई तकलीफ नहीं, पता ना नहीं होगा तो मैं कहा जाना साला ये कुछ कहा करेगा, अखबार में जानी पढ़ा दूंगा बोला। ठीक है पढ़ा दो, नौकरी लग जाएगा। नहीं ऐसे बोला वो, मैं कहा पढ़ा दो भाई, अपने खर्चा है तो भैया अपने नाती पोपा समझते हो, ऐसे करके मैं भेज दिया अपने नहीं बौरिया साहब, ऐसे करके पर ले गया। तो भाई बाद में 2 हफ्ते आने का नहीं दिया, चलो घर पहुँचा तो बोला नहीं जाने दूंगा, फोन करी पहुँचा लड़की को, कहने कहा करने जाएगी, कहा करे घर में जाकर, ये खा रहा है पढ़ रहा है पढ़े रहे दुकान में, ऐसे बात बोल रहा था। तो ले जाए तो फिर तुरंत जाए और शाम को लेके आ जाए साथ में, ये कांड किया है तो लेके बर्मा डॉक्टर से काम करवाया, दवा इलाज करवाया। नहीं क्या किया बच्चे के साथ, इसके पेट में बच्चा है करके, हाँ तो बच्चा कहाँ से होगा, किसी के साथ नहीं था तो बच्चा कैसे पेट में चला गया। उसके बाद मेरे को लेके गए वहाँ, मेरे को 12 साल का बीमारी थी तो मेरे को गोली खाने के लिए दिए तो मैं खा ली, उसके बाद सो गई चुपचाप। जब उस 5 बजे उठी देखी मेरे कपड़ा खुला था, जब मैं पूछी तो नहीं बताया, फिर ऐसे ऐसे मेरे को रखा वहीं। मैं जब आने के लिए घर बोलती थी चलो पहुँचा दो, उसके बाद नहीं पहुँचाते थे, बोले का करेगी घर में जाके ऐसे करके। दो सप्ताह रही फिर उसके बाद आ गई मैं घर। फिर आने के बाद अब धीरे धीरे पेट मेरे बढ़ने लगा, मेरे पूछे घर वाले कि क्या हुआ है ऐसे करके, फिर वो आया तो बोला कि चलो मैं चेकिंग वोकिंग करा दूंगा ऐसे करके, फिर लेके गया मेरे को फिर वहाँ बैकुंठपुर हॉस्पिटल में, फिर दिखाया तो बोले बच्चे है ऐसे करके, फिर वहीं सफाई उफाई करवाए। डॉक्टर तुमसे पूछा सफाई करने के लिए? नहीं, वही सब पूरा बात बताया कि कर दो ऐसे करके हाथ गिनती जोड़ के, उसके बाद 10,000 पैसा दिया, इसके बाद भाग गए वहाँ से। जब मेरे दादाजी गए फिर छुट्टी करा के ले आए घर,